किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो हम बना रहे हैं पशु मंडी डबवाली पे। सामने जो आप गायें देख पा रहे हो, ये सभी की सभी गायें सेल के लिए अवेलेबल है। आज सुबह सुबह ये ताज़ी ताज़ी मंडी पे वीडियो बना रहे हैं। इंद्र भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज की वीडियो में। इंद्र डेयरी फार्म की जो गायें मंडी पे आई है वो गायें हम आपको चलाकर दिखाएंगे। उन गायें के रेट के और दूध के बारे में बताएंगे। किसी भी किसान भाई को अगर आज की गायें पसंद आती है तो आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस नंबर पे कॉल करके ये गायें खरीद सकते हो। आज 2 जून 2024 को ये वीडियो बन रही है और वीडियो बनते ही साथ ही आपके साथ शाम तक ये शेयर हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि आज की ताज़ा मंडी का रेट, पंजाब का रेट, गर्मियों में क्या चल रहा है वो आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए भाई साहब से बात करते हैं और उनकी गायें हम आपको चलाकर दिखाते हैं कौन से ब्यांत में है, दांतों में कितनी है, दूध कितना है और रेट कितना है उसके बारे में बताते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अपने डेयरी फार्म का नाम और प्रॉपर एड्रेस कहाँ का है? इंद्र डेयरी फार्म जी, विलेज माठा, डिस्ट्रिक्ट मानसा, स्टेट पंजाब सर, डबवाली और बठिंडा के सेंटर में पड़ता है जी। आज इस मंडी पे कितनी गाय लेके आए थे? आज अपनी सर 11 गाय आई थी। एवरेज रेट क्या रहेगा? एवरेज रेट सर 50 से लेके अपना 80 तक का है। मीडियम गाय है सभी और मीडियम दाम है सर अपना। और दूध कितने दूध वाली? दूध सर अपना है 18 से लेके 25 तक का है सर। क्या गारंटी होगी? गारंटी सर ब्रीड बताएगी, गाय खुद बताएगी भी इतना दूध देने की क्षमता है या नहीं है। और दूसरी बात, यदि कोई भाई मिल्किंग करना चाहता है तो अपने पास आके 2-3 मिल्किंग कर सकता है। फार्म पे हर समय गाय होती हैं? हाँ जी सर, 10-12 गाय अवेलेबल होती है हर समय सर। ऑल ओवर इंडिया की डिलीवरी हो जाती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल विद इन गारंटी सर। जैसे गर्मी का टाइम है, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, यहाँ से ट्रीटमेंट किया जाता है और साथ में केयर टेकर जाता है जो अच्छी नॉलेज वाला होता है और रास्ते में जो खुली गाय को संभाल सकता हो सर। पेपर वगैरह की सारी जिम्मेवारी वो सर, हेल्थ सर्टिफिकेट बन के जाते हैं, घर तक की पहुंच की हमारी जिम्मेवारी है सर। रास्ते में कोई भी दिक्कत आए हम जिम्मेवार हैं सर। मंडी का रेट कैसा चल रहा है? मंडी का रेट सर अभी डाउन है थोड़ा, गर्मी की वजह से कस्टमर कम है और गाय के दाम में भी कम से कम 10-15 हज़ार रुपए पर गाय के हिसाब से कटौती आई है सर। तो आज की गाय चला कर दिखाइए, कौन सी गाय चलाओगे पहले? जी सर, सबसे पहले मैं 2 बच्चा चलाऊंगा सर, मीडियम साइज का, फर्स्ट टाइम। कितने दिन लेगी ये गाय? सर 10-15 लेगी। अभी मुझसे 2 दांत है, HF क्रॉस ब्रीड का अच्छा बच्चा है। आंचल वगैरह देखो, गाय की ब्यूटी देखो सर, मुंह से 2 है, फर्स्ट टाइमर बहेगी अभी सर, 10-12 अभी पेंडिंग है सर। दूध क्या रहेगा फर्स्ट टाइम में? दूध सर इसको बोलने को 25 बोल दे, 26 बोल दे, मगर आराम से तो सर 18-20 लीटर दूध देगी सर। क्या रेट कर रहे हैं? रेट इसकी डिमांड तो सर 75 की है। 65,000 में सेल कर दोगे? जी सर। तो किसान भाई फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में गाय है, 2 गाय है अभी। अभी गायें डिलीवरी के लिए कुछ दिन ले जाएगी और अदर क्वालिटी गाय की अभी से आप देख सकते हो 65,000 में आपको ये गाय मिल जाएगी। जैसा आप रेट लगाओगे वैसी क्वालिटी की गाय आपको मिल जाएगी। बहुत बड़ा है, ठंडी सील है सर, कैसे मर्जी हाथ डालो, बच्चे नीचे बैठ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अभी अडर भी बहुत लूज पड़ा है, रिंकल काफी है। अभी 10-15 जब गएगी तो यहाँ से अच्छे अडर बना के सर बच्चा देगी। दूसरी गाय कौन सी चलाओगे? दूसरी सर ये भी फर्स्ट टाइमर बच्चा है, ये भी 2 है, चला दीजिए। इसके कितने दिन है बाकी हैं? इसके अभी 6-7 दिन आराम से ले जाएगी सर। मीडियम साइज है सर, अच्छे कम्पैक्टेड साइज वाला बच्चा है सर। अच्छा क्या रहेगा इसका? दूध दे देगी सर 17-18 फर्स्ट टाइम आराम से। तो बोलने जी बोलने को इसको 25 बोल दो 26 बोल दो, अपना वो धंधा नहीं है सर भी। हाँ 30 लीटर बोल दो, 35 लीटर बोल दो और बाद में निकले सर 10-15 वही, तो आदमी को वही चीज़ बोल के दो जितना उसकी क्षमता है। ये बच्चे रेट सर इसका 75 है, अगर 70 में डन करनी है मौके पर सम्मान हो जाए जी सर। तो किसानों भाई इस गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, 70,000 में आपको ये गाय मिल जाएगी। अभी मुंह से 2 दांत है सर, बच्चा फर्स्ट टाइमर बहना है इसने। 6 से आंचल देखो सर कितना अच्छा, अड्डर का साइज देखो सर आप, बिल्कुल फिटिंग अड्डर सर, कम्पैक्ट अड्डर बोलते हैं जिसको, फॉरेन टाइप वो अड्डर लगा हुआ है सर, कट वाला अड्डर। अभी तो बच्चा है सर, जैसे जैसे जवान होगी 30 तक ये बच्चे की क्षमता रखती है सर, 30+ वाली। ये अगली गाय कौन से इलेक्ट्रेशन में? ये सर क्रॉस का नगीना है सर, ये थर्ड में है सर, और मुंह से दांतों में भर चुकी है सर। दूध क्या रहेगा इस बार? दूध इसने सर 22 लीटर दूध दिया है, अभी 25 तक की आशा है। और दूध की बात करूं, दूध सर फैट वाला भी रहेगा इसका,
क्रॉस ब्रीड की है, इसको गर्मी सर्दी का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी सर्वाइव कर सकती है कैसा ही मौसम हो। और दूसरी बात, इसका दूध सर फैट वाला रहेगा, 3.5-4 के अबव इसकी फैट चलेगी, क्योंकि HF के मुकाबले डल जाता है सर। जैसा क्रॉस ब्रीड का थोड़ा दूध कम होता है, उसी वैसे ही फैट रेट ज़्यादा होता है उसका। क्या रेट कर रहे हैं इस गाय का? इस गाय का सर 80 मांग रहे हैं और ये 75-72 तक दे देंगे। डिमांड 80,000 की है। तो किसान भाइयों, इस गाय का रेट भी आप इनके साथ फ़ोन पे कर सकते हो। गाय की क्वालिटी आपने देख ली, क्रॉस में गाय है, जो होगा वो आपको बोलकर बताया जाएगा, बोलकर दिया जाएगा जी। ये गाय कौन से इलेक्ट्रेशन में? सेकंड टाइम मेरा सर। दांतों में 6 दांत है सर। अभी बच्चा देने में इसके पेंडिंग है सर, 5-4 दिन लेगी, क्योंकि सर सफर की वजह से 2-4 दिन इधर उधर हो जाता है। ठीक है। दूध क्या रहेगा? दूध सर ये दे देगी 25 लीटर बड़े आराम से सर। 25 लीटर फर्स्ट टाइम क्या दूध दिया था? 20 लीटर दूध दिया है। अभी गर्मी की वजह से थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो गाय का बेहाल हो जाती है बाजार पे सर, गाय थोड़ी इसीलिए फीकी लग रही है। बाकी चमक दमक देखो, आपकी हाइट लेंथ देखो गाय की, बहुत अच्छी बछड़ी है, फार्म की बछड़ी है सर। क्या रेट कर रहे हो इस गाय का? डिमांड सर इसकी 90 की है, मगर ये 75,000 में दे देंगे सर। 75 में जी 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 बिल्कुल। किसान भाइयों, आपने ये हमारी 6-7 गाय देख ली, ये हमारी गाय सर क्रॉस ब्रीड में है ज़्यादा, क्योंकि जब ये गर्मी का सीज़न है तो सर बड़ी गाय पे जो भी नया कस्टमर है, नए से स्टार्ट करता है, तो ज़्यादा ब्रीड वाली गाय सर गर्मी में सर्वाइव नहीं करती, तो कस्टमर लॉस में चला जाता है। जो भी कोई जो पहले से जानकारी रखता है, अच्छा पहले से जो फार्मर है, किसान उसके पास है, मान लो दूध पे काम करता है, वो तो सर बड़ी गाय पे काम कर सकता है। जैसे मान लो बड़ी गाय 30+, 40+ वाली, उस पर मिलकर, क्योंकि गर्मी में उसमें केयर करना अच्छा रहता है थोड़ा। तो नए किसान भाई के लिए ये अपना क्रॉस ब्रीड का और मीडियम साइज का, मीडियम दूध वाला एनिमल अपने पास आज ज़्यादा है। जो यदि किसी भाई की डिमांड है हाई मिल्किंग वाली गाय की, ज़्यादा वरायटी वाली गाय की, वो भी हम अवेलेबल करवा सकते हैं उनके लिए। और दूसरी बात यह है, जो कि नया कस्टमर है, किसान भाई कम नॉलेज वाले आदमी, तो मैं तो यही उनको सुझाव दूंगा कि थोड़ा मीडियम साइज से स्टार्ट करे, मीडियम बजट से स्टार्ट करे। उसके लिए थोड़ा जैसे जैसे आदमी काम करता है नॉलेज भी बढ़ती है, और गाय को अच्छी से केयर करना भी उसके दिमाग में बैठ जाती है, भी हाँ कौन सी गाय, किस जंगल की गाय अच्छे से यहाँ पे सर्वाइव करती है जी। तो लास्ट में एक बार फिर मेरा नंबर 9779353412, नाम मेरा इंद्रजीत भाई, इंद्र डेयरी फार्म, बलेज माखा, डिस्ट्रिक्ट मानसा, स्टेट पंजाब सर, और बठिंडा और डब वाली के सेंटर में हमारा गांव पड़ता है। जिस भी किसान भाइयों को गाय परचेज करनी है, भैंस परचेज करनी है, हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। रहने वहने की सुविधा, 2 दिन रुको 4 दिन रुको वो आपका फ्री होगा, हमारे पास रुको, 2 दिन रुको 4 दिन रुको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आप आओ, मोस्ट वेलकम। और जो जो भाई किसान भाई मालवा फार्म से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।